चेरिशओएस वर्जन 2.6। तो फाइनली जो है चेरिशओएस वर्जन 2.6 रिलीज़ हो चुकी है। तो मैंने इंस्टॉल किया है मेरे Redmi Note 9 Pro के अंदर चेरिशओएस वर्जन 2.6। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ चेरिशओएस वर्जन 2.6 के अंदर आपको कौन से जो नए फीचर्स देखने मिलते हैं, साथ ही साथ कौन से नए बग्स जो है आपको देखने को मिलने वाले हैं, और साथ ही साथ कौन कौन से जो पुराने बग्स है वो फिक्स कर दिए गए हैं। ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और मेरा जो इस रोम के साथ जो एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस आगे देखने को मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके होम स्क्रीन की। तो होम स्क्रीन का यूआई है आपको कुछ इस प्रकार का देखने को मिल जाता है, जो कि बिल्कुल आपको मिनिमल जो लुक है यहाँ पर देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ बात करें इसके लॉन्चर की, तो यहाँ पे जो लॉन्चर है आपको इसमें इन और आउट का जो एनिमेशन है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ बात करें इसके प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स की, तो यहाँ पे आपको गूगल के कम ही ऐप आपको देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से जो है डिवाइस काफ़ी अच्छा रन कर रहा है और यहाँ पे आपको कोई भी जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू है यहाँ पर कोई भी देखने को नहीं मिलते हैं। साथ ही साथ बात करते हैं इसके स्टेटस बार की, तो स्टेटस बार जो है यहाँ पर बिल्कुल परफेक्टली जो है यहाँ पर वर्क कर रहा है, यहाँ पर आपको कोई लैग देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे आपको और भी जो टूगल्स है यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जिनको ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको पेंसिल के आइकन पे टैप करना होगा, जहाँ से आपको यहाँ पे नए नए आपको टूगल्स जो है यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ से आप टूगल्स ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ बात करते हैं इसके बैंकिंग ऐप्स और प्ले स्टोर सर्टिफाइड हैं या नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो है आपको, तो यहाँ पे जो सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो डिवाइस जो है यहाँ पे आपको सर्टिफाइड देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट जो बात करते हैं इसके सेफ्टी नेट की, तो सेफ्टी नेट जो है मैं एक बार आपको चेक करके बता देता हूँ कि इसमें आपको पास देखने को मिलता है या फेल। तो यहाँ पर जो है मैंने टेस्ट रन कर दिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो सेफ्टी नेट है यहाँ पर आपको पास देखने को मिलता है। साथ ही साथ बात करते हैं इसके जो वाइडबैंड L1 सपोर्ट की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपको सिक्योरिटी लेवल जो है L3 देखने को मिलता है, जिसका मतलब है आप HD के जो भी OTT प्लेटफॉर्म है उस पर HD में कंटेंट नहीं देख सकते। नेक्स्ट जो बात करने वाला हूँ मैं इसके अंततु बेंचमार्क स्कोर की, तो यहाँ पे जो है मैंने अंततु बेंचमार्क स्कोर रन किया था, तो इस रोम को कितना स्कोर देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 266,312 जो है यहाँ पर अंततु बेंचमार्क स्कोर देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ इसमें बात करें पबजी की, तो मैंने जो है पबजी 1 घंटे प्ले किया था, तो यहाँ पे जो है पबजी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली, बट जो है डिवाइस जो है थोड़ा हीटिंग इशू यहाँ पे आपको फेस करनी पड़ेगी। तो बात करते हैं इसके कैमरा की, तो कैमरा इसके अंदर आपको गूगल का गो कैमरा देखने को मिलता है, MIUI का कैमरा आपको देखने को नहीं मिलता। अगर आपको MIUI कैमरा इंस्टॉल करना है तो आप वीडियो जाके देख सकते हो आई बटन पर टैप करके। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट सेटिंग्स की, तो सेटिंग्स में चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ सेटिंग्स का UI आपको कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है। साथ ही साथ बात करें नेटवर्क एंड इंटरनेट की, तो इसमें जो इसमें जियो की सिम बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रही है, साथ ही साथ आपको वाईफाई और हॉटस्पॉट में कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती, ये दोनों आपके साथ में भी परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बैटरी की, तो बैटरी जो है आपको कुछ इस प्रकार का बैटरी का इंटरफेस देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको एडेप्टिव बैटरी और स्मार्ट चार्जिंग जैसे ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। डिवाइस को मैंने एक दिन यूज़ किया और जो बैटरी है इसमें काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है, MIUI जो रोम्स हैं उनसे ज़्यादा आपको यहाँ पे बैटरी देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट जो फीचर की बात करने वाले हैं वो है सिक्योरिटी की, तो यहाँ पर है जो फिंगरप्रिंट आपको देखने को मिल जाता है, साथ में आपको फेस अनलॉक और ऐप लॉकर जैसे फीचर्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अगले फीचर की बात करता हूँ, इस रोम में आपको Xiaomi पार्ट्स का जो है सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बात करते हैं सिस्टम की, तो सिस्टम के अंदर आपको जो है सिस्टम अपडेट्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिससे आप जो भी OTA अपडेट्स है वो आप डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो यहाँ से। बात करते हैं जेस्चर्स की, तो जेस्चर्स आपको कुछ ये ऑप्शंस देखने को मिलते हैं जेस्चर्स में, जिसमें सिस्टम नेविगेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ आपको स्किप म्यूजिक ट्रैक्स और पावर मेन्यू जैसे ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट जो बात करने वाला हूँ मैं इसके डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे आपको ब्राइटनेस लेवल, एडेप्टिव ब्राइटनेस और डार्क थीम जैसे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। इस रोम में आपको जो है जो भी सेटिंग्स है वो एकदम वेल अरेंज देखने को मिलती है, हर एक सेटिंग्स के ऊपर आपको हेडलाइन देखने को मिल जाती है, जिससे जो है रोम काफ़ी अच्छी देखने को लगती है। तो यहाँ पर जो है आपको थीम ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपको थीम्स की सेटिंग्स देखने को मिल जाती है, तो ये कुछ आपको डिस्प्ले में ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं।
साथ ही साथ यहाँ पे फुल स्क्रीन ऐप्स का आपको सपोर्ट देखने को मिलता है, जिससे आप फुल स्क्रीन ऐप्स इंजॉय कर सकते हो यहाँ से आप टर्न ऑन करके। बात करते हैं इसमें चेरिश सेटिंग्स का, आपको नया ऑप्शन देखने को मिलता है जिसके अंदर आपको काफ़ी सारे सेटिंग्स और ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको स्टेटस बार की सेटिंग्स देखने को मिल जाती है, यहाँ पे आपके क्विक सेटिंग्स, थीम्स, बटन्स, एनिमेशंस और लॉक स्क्रीन, पावर मेन्यू, इस प्रकार से आपको यहाँ पे सारी सेटिंग्स, वेल अरेंज देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपको सारी सेटिंग्स जो है यहाँ पे एक ही जगह आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये जो है आपको सेटिंग्स में देखने को मिलता है। बात करते हैं बग्स की, तो मैंने अभी तक कोई बग इसमें फेस नहीं किया है। तो ये रोम में मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला है, बैटरी रिलेटेड भी कोई आपको यहाँ पे इशू देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ अभी तक मुझे एक बार भी रैंडम रिबूट का जो बग है वो देखने को नहीं मिला है। रोम बिल्कुल स्मूथ है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें इस रोम को। तो अब बात करते हैं रोम इंस्टॉलेशन की, तो किस तरह आप रोम को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है आपको सिंपल ईजी स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले जो है आपको कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करनी नहीं है। कस्टम रिकवरी कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, इसके लिए आप ये जो ऊपर वीडियो है वो जाके आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करने के बाद आपको कस्टम रिकवरी भी बूट कर लेना है। मैं यूज़ कर रहा हूँ ऑरेंज फॉक्स रिकवरी। तो इसके अंदर जो इंस्टॉलेशन मेथड है, इसके लिए आपको फर्स्ट जो स्टेप है वो फॉलो करनी है। वाइप सेक्शन में जाना है आपको, और यहाँ पे आपको डेलवी केस डेटा ये आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो है आपको डेलवी केस डेटा सिलेक्ट कर लेना है और आपको सिंपली जो है यहाँ पे वाइप कर देना है। तो इस प्रकार से जो है आपको ये फर्स्ट स्टेप फॉलो करनी है। तो इस तरह से है आपको वाइप कर देना है। वाइप करने के बाद आपको फाइल एक्सप्लोरर में जाना है, और यहाँ पे जो है आपकी चेरिश ओएस जो फाइल है ये आपको डाउनलोड करके यहाँ पे सेव कर लेनी है, जो कि आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको टैप करना है और सिंपली आपको स्वाइप करना है। तो इस प्रकार से जो चेरिश ओएस जो है इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे आपको चेरिश ओएस का इंटरफेस देखने को मिलता है इंस्टॉलेशन का। तो इसके अंदर आपको 2 से 5 मिनट लग सकते हैं इंस्टॉलेशन में। तो इसके लिए मैं वीडियो जो है स्किप कर देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो जो रोम है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। रोम इंस्टॉल होने के बाद आपको सिंपली वाइप केस कर देना है, पैक करना है आपको। पैक करने के बाद आपको एक बार जो है फॉर्मेट डेटा कर देना है, आपको यहाँ पे YES टाइप करना है और सिंपली आपको चेक कर देना है। तो इस प्रकार से जो है डिवाइस जो है फॉर्मेट डेटा हो रहा है। इस स्टेप को करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे जो है सारा डेटा डिलीट हो जाता है और जो रोम है एकदम क्लीन प्रेस इंस्टॉल होती है। अब आपको सिंपली रिबूट सिस्टम कर देना है और आपको वेट करना है जब तक कि डिवाइस टर्न ऑन नहीं हो जाए। तो यहाँ पे जो है रेडमी का लोगो आ चुका है। साथ ही साथ बात करते हैं इसके अंदर आपको बूट जो एनिमेशन है चेरिश ओएस का वो कैसा देखने को मिलता है। तो कुछ इस प्रकार का जो है आपको बूट एनिमेशन देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी कूल देखने में लग रहा है। अलग अलग कलर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं बूट एनिमेशन में। तो इस प्रकार से है जो है आप चेरिश ओएस रोम को इंस्टॉल कर सकते हो आपके रेडमी नोट 9 प्रो के अंदर। ये रोम सिर्फ रेडमी नोट 9 प्रो के लिए है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।